नमस्कार, मेरा नाम सोनिया काम्बोज है और मैं इंद्री कस्बे से बिलोंग करती हूँ और साथ में मेरी देवरानी है। कुछ टाइम पहले जो है मेरी देवरानी को प्रेगनेंसी में थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे, जिसके कारण हमने फैमिली जो मेरी फैमिली है उन्होंने सबने इकट्ठा होकर के जो है सैरोगेसी का सहारा लिया और सैरोगेसी से हमने IVF से जो है ये ट्रीटमेंट कराया और आज हम दोनों जो हैं कहेंगे कि हम दोनों जो है एक माँ बन चुके हैं। हमें एक बेटा हुआ है और एक बेटी हुई है और हम थैंक्सफुल हैं डॉक्टर स्तुति मोदी का जो अमृत धारा हॉस्पिटल में हैं और हम लोग जो हैं डॉक्टर स्तुति मोदी का थैंक यू करना चाहेंगे कि जिन्होंने हमारे जो केस है वो बड़ी अच्छे तरीके से संभाला। मेरी प्रेगनेंसी जब चली थी तो 5-6 महीने तक ठीक रहा, बाकी मुझे 7वें महीने के लास्ट में जो है थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे तो हम लोग अमृत धारा हॉस्पिटल में, क्योंकि हम यहीं पे डिलीवरी करानी थी तो हम लोगों ने यहाँ पर डॉक्टर स्तुति मोदी से जो है कंसल्ट किया और डॉक्टर स्तुति मोदी ने हमें बड़े ही अच्छे तरीके से गाइड किया। हम थैंक यू बोलना चाहेंगे डॉक्टर स्तुति मोदी को कि जिन्होंने हमें इतने अच्छे तरीके से गाइड किया और हमें एक जो सबसे अच्छी बात रही कि एक ही छत के नीचे जो है हमें हर फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल कराई गई यहाँ पे। उसके बाद जो है जो मेरे जो कॉम्प्लिकेशन आया था मेरी प्रेगनेंसी में वो था डॉपलर का, कि मेरा डॉपलर जो है वो खराब हो चुका था अंदर से, बच्चों पे ब्लड सप्लाई और ये सब कुछ ऑक्सीजन जो जाती है वो बिल्कुल बंद हो चुकी थी। देन डॉक्टर स्तुति मोदी ने हमें बताया कि मैं किसी तरीके से आपके 10-12 दिन निकाल सकती हूँ बट इससे आगे नहीं आपका जो है केस जा सकता है। तो 10-12 दिन हम डॉक्टर स्तुति मोदी के अंडर में रहे, उन्होंने हमें बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया और उसके बाद आफ्टर 10 डेज जैसे ही मेरा 7वां मंथ कंप्लीट हुआ और 8वें के सिर्फ 9 दिन गए थे, उसके बाद जो है डॉक्टर स्तुति मोदी ने हमें ऑपरेशन के लिए उस दिन हमें बोल दिया 27 दिसंबर को। तो ओटी में जाने से पहले मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी बट जो यहाँ का स्टाफ है और डॉक्टर स्तुति मोदी है उन्होंने मुझे इतना अच्छे से सपोर्ट किया कि मेरा सारा डर जो है वो एकदम से गायब हो गया और मैं ओटी में एकदम से, मतलब आज तक मैंने कभी किसी चीज़ को ऑपरेशन के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, मैं बड़ा डरती थी। देन यहाँ का स्टाफ और डॉक्टर स्तुति मोदी जो है उन्होंने मुझे इतना अच्छे से गाइड किया और मैं मुझे इतना स्ट्रांगली वो किया कि भी मैं एकदम से ओटी में चली गई, मुझे डर जो था वो बिल्कुल गायब हो चुका था मेरा। और उसके बाद जो जैसे कि मेरी प्री मैच्योर डिलीवरी थी, जाहिर है कि बच्चों का वेट जो है वो उस टाइम पे कम ही था तो निकू में उनको रखना पड़ा, यहाँ पे अमृत धारा में जो है नर्सरी है निकू, तो वहाँ पे डॉक्टर अंकुर की देखरेख में हमारे दोनों बच्चे रहे और यहाँ पे डॉक्टर अंकुर और जो निकू की स्टाफ नर्स हैं उन्होंने इतने अच्छे से ख्याल रखा हमारे बच्चों का, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो मदर एक केयर करती है उससे भी ज़्यादा यहाँ के स्टाफ ने हमारे बच्चों को जो है 20 डेज तक अपनी देखरेख में रखा और आज हमारे बच्चों को जो है वो डिस्चार्ज मिल चुका है। हम बड़े खुश हैं कि इन्होंने हमारी झोली जो है खुशियों से भर दी है। मैं थैंक्सफुल हूँ डॉक्टर ज्योति गुप्ता का, डॉक्टर स्तुति मोदी का, यहाँ के स्टाफ का, यहाँ के नर्स स्टाफ का, यहाँ के डॉक्टर्स का और सबसे बड़ी बात है यहाँ के जो सफाई कर्मचारी हैं उनका, क्योंकि इतना हाइजीन हॉस्पिटल मैंने आज तक नहीं देखा है। क्योंकि जो हम लोग ये फैसिलिटी चंडीगढ़ मोहाली जो फोर्टिस हॉस्पिटल है, एम्स है, अपोलो है, वहाँ पर हम लोग ऐसी जो फैसिलिटीज हैं वहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। सोचते हैं मन में कि हमारे आसपास शहर में भी ऐसे कोई हॉस्पिटल हो और वहाँ पर हमें ये चीज़ मिले। तो हम लोग जब अमृत धारा में आए तो हमें ये फैसिलिटीज, हमें लगा कि जैसे हम अपोलो फोर्टिस हॉस्पिटल में आए हों और इतना अच्छा यहाँ पे हम लोगों को ट्रीट किया गया, इतना हाइजीन है यहाँ पे, जो पेशेंट के लिए खाना आता है वो भी इतना अच्छे तरीके से आता है, वरना किसी और हॉस्पिटल में होते तो हम शायद खाना खा ही ना पाते, इतना अच्छे से यहाँ पे हम लोगों को वो किया गया। और मैं दोबारा से थैंक्स बोलना चाहूँगी डॉक्टर स्तुति मोदी का, यहाँ के स्टाफ का और यहाँ के जो कर्मचारी जितने भी हैं यहाँ पे उन